तो बताइए देविका जी, आपने मेरा खाना चोरी कैसे करवाया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर सेम टू सेम खाना इतनी जल्दी कैसे किसी और केटर से बनवा लिया आपने? आप सबको मेरी ऊंची आवाज से प्रॉब्लम होगी, लेकिन इनकी नीची हरकत पे किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। अंकल जी, आप तो बड़े बिजनेसमैन हैं। आप तो मानते हैं ना कि हम अपने रिश्तों में खटास फिर भी माफ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार रिश्ते मजबूरी में भी निभाने पड़ते हैं, लेकिन धंधे में खटास, धंधे में ऊंच नीच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने सोचा था ये धंधा करके पहली बार आप सबसे रिश्ता जोड़ूंगी, लेकिन मुझे अनप्रोफेशनल बताकर, मेरे काम में बार बार मुश्किलें डालकर रिश्ते तो बहुत दूर की बात है, आपने तो मेरा धंधा शुरू होने से पहले ही ठप करा दिया। देविका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब सवाल उठाया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। बिहाई जी, किस दो टके की लड़की के लिए आप? मिनिस्टर साहब, दो दो बेटियों के पिता हैं आप। किसी भी लड़की की कीमत लगाना, उसकी औकात दिखाना आपको शोभा नहीं देता है। आपकी बेटी की उम्र क्यों है? अपनी बेटी की भी कीमत लगाते हैं आप? ए चाट वाली,